का ओसी OC या ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है इसको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमें क्यों लेना पड़ता है इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे सी सी ई ए सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में आपका स्वागत है देखिए वाई ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड वाटर सीवर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये तीनों कनेक्शन आपको तब मिलेंगे जब आपके पास ओसी OC होगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होगा आफ्टर इश्यूएंस ऑफ सैड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यदि आपके पास ओसी नहीं है तो ना तो आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा ना सीवर का कनेक्शन मिलेगा ना बिजली का कनेक्शन मिलेगा तीनों कनेक्शन आपको नहीं मिलेंगे जिसके बिना आप अपनी बिल्डिंग का यूज नहीं कर पाएंगे आपको नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई आप बिल्डिंग को अलाउ ही नहीं कर सकते हैं उसमें रहना या ऑक्यूपाई करना कब तक नो ऑनर एप्लीकेंट सेल ऑक्युपाई और अलाउ एनी अदर पर्सन टू ऑक्यूपाई न्यू बिल्डिंग आर पार्ट ऑफ ए न्यू बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग को आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते ना किसी को आप अलाउ करेंगे ना तो पार्ट या उसका कोई हिस्सा या कोई पोर्शन कुछ भी हो अनटिल सच बिल्डिंग आर पार्ट हैज बीन सर्टिफाइड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर बाई एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाई हिम इन दिस बिहार एस है इन अकॉर्डेंस विद द परमिशन ग्रांटेड एंड एन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड यदि जब तक आपको ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ तब तक आप बिल्डिंग में ना तो रह सकते हैं ना किसी को अलाउ कर सकते हैं ना किसी भी पोर्सन में रह सकते हैं और ना ही आपको सीवर पानी और बिजली के कनेक्शन भी मिलेंगे तो ये आक्युपेशन सर्टिफिकेट लेना आपको बहुत ही जरूरी है बिफोर मूविंग इन बिल्डिंग अब ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट का क्या तरीका होता है आपको प्रिस्क्राइब फार्म में इसको अप्लाई करना पड़ता है और इसमें साइन होंगे आर्किटेक्ट और इंजीनियर के और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो हम वन बाई वन देख लेते हैं देखो सबसे पहले डिटेल ऑफ सेंक्शनेबल वायलेशन बा, सेंक्शनेबल वायलेशंस का क्या मतलब होता है कि आपके वायोलेशंस तो किए हैं आपने लेकिन वो सेंक्शनेबल हैं ऐसे वायलेशन नहीं है कि आपका मकान तोड़ना पड़ जाए पेनल्टी जरूर लगेगी फ्रॉम द अप्रूव बिल्डिंग प्लान इफ एनी इन बिल्डिंग ज्वाइंटली साइंड बाय द ओनर आर्किटेक्ट इंजीनियर ओनर आर्किटेक्ट टू इंजीनियर तीनों साइन करके इसको सेंक्शनेबल वायलेशंस बाय, का डिटेल देंगे उसमें एक पहला डॉक्यूमेंट तो ये लगेगा दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा एस विल ड्राइंग्स यानी जो आपने ड्राइंग सेंक्शन कराई थी और जो ड्राइंग के हिसाब से आपने एक्चुअल काम किया उसको एस विल ड्राइंग बोलते हैं एस विल ड्राइंग लगानी है अलॉन्ग विद कंप्लीसन सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई ये काम कंप्लीट हो गया है फोटोग्राफ्स ऑफ द फ्रंट यानी आपको फोटोग्राफ कहाँ कहाँ के लेना है फ्रंट साइड के साइड के बाजू से रियर सेट बैक्स यानी पीछे वाले सेट बैक्स के फ्रंट एंड रियर एलिवेशन के और सेल भी सबमिटेड अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स ऑफ एसेंशियल एरियाज के और कौन कौन से एरियाज के लाइक like कटआउट्स कौन से हैं साफ्ट कौन सी हैं रूफ टॉप के हैं और काय में बनाओगे आप ये एन अनएडिटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सी डी डी बी डी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको ये सारे फोटोग्राफ सबमिट करने पड़ेंगे तो सबसे पहले तो आपने कंपाउंडेबल वायलेशन एसविल ड्राइंग फोटोग्राफ्स और क्या लगाना है आपको कंप्लीसन सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्यूरो ऑफ एनर्जी ऑफिस बी या सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर काय के लिए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट इन अकॉर्डेंस टू ऑर्डर्स एंड पॉलिसीज इश्यूड बाय द रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी ये यदि आपने रूफ टॉप में सोलर प्लांट लगाना था तो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का आपको सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा किसी एनर्जी एजें सर्टिफाइड ऑडिटर से कि भाई हमने ये इतने का प्लांट लगाना था वो हमने लगा दिया है इसके साथ और क्या लगेगा कम्प्लीसन सर्टिफिकेट फ्रॉम हरेडा और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन्स ऑफ ई सी वी सी वेयर एवर एप्लीकेबल यानी ई सी नॉर्म्स के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी है तो आपको एनर्जी एफिशेंसी या सर्टिफाइड ऑडिटर से भी ये आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और एन लगेगा एन ऑफ फायर सेफ्टी ये बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट फ्रॉम कंसर्न चीफ फायर ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑथोराइज फॉर द पर्पज यानी आपको फायर डिपार्टमेंट से भी एक एन लगानी पड़ेगी तभी आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा यानी ओ मिलेगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने बताए हैं आपको कि आपको ओ लेने के लिए लगाने पड़ेंगे आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद